हेलो दोस्तों, आपका गप्पूड़ी की नई वीडियो में स्वागत है। आज दोस्तों हम रिएक्शन देने वाले हैं हैनकॉक सॉन्ग पर। इस सॉन्ग के बारे में मुझे ए भी नहीं पता है, बी भी नहीं पता है, सी भी नहीं पता है, डी भी नहीं पता है, लेकिन आपके कमेंट से इतना जरूर समझ गया हूँ कि जरूर इमोशनल सॉन्ग होगा, वरना आप नहीं कहते दोस्तों कि रिएक्शन दो। मैं तैयार हूँ हैनकॉक सॉन्ग पर रिएक्शन देने के लिए। जल्दी सौरभ सेटअप तैयार कर रिएक्शन का। देख लो उमड़ी को लगा दो हैनकॉक सॉन्ग। तो किसका इंतजार कर रहे, लगाए ना हैनकॉक। हैनकॉक सॉन्ग, हैनकॉक, हैनकॉक। ये देखो दोस्तों, मैंने हैनकॉक सॉन्ग लगाने में थोड़ी देरी क्या कर दी। गप्पूड़ी को बहुत कलेश हो चुका है, बोल रही है कि हैनकॉक सॉन्ग लगा दे, मैं तेरे को काट काट के हैन बना दूंगी। हैनकॉक सॉन्ग लगा जल्दी। देख लो उमड़ी को लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, सबर कर गोलू। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। तो दोस्तों आपकी प्यारी गप्पूड़ी ट्रीट के लालच में रिएक्शन देखने के लिए बैठ चुकी है, और साथ ही साथ इसको मैं खिलाता भी रहूंगा थोड़ा बहुत, ताकि हमारी रिएक्शन में ये भी थोड़ी बहुत सहभागी बने। और अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बिस्कुट जो है कम है, वो खत्म हो गए, तो गप्पूड़ी उठ सकती है यहाँ से। ये देखिए बिस्कुट खत्म होने की कगार पे भी आ गए, मेरे को लग रहा थोड़ा वो लाने पड़ेंगे इसके लिए, कम लाए था बिस्कुट, बिस्कुट खत्म हो गए। हमारी गप्पूड़ी भी दोस्तों इस सॉन्ग को देखना चाहती है क्योंकि कमेंट्स उसने भी पढ़े थे, और बहुत सारे लोग बात कर रहे थे भैया हैनकॉक सॉन्ग पर रिएक्शन दो, हमको रिएक्शन देखना है, गप्पूड़ी का रिएक्शन देखना है। अगर ये सॉन्ग इमोशनल निकला तो दोस्तों आगे जो है ऐसे इमोशनल सॉन्ग पर रिएक्शन देने के लिए मत बोलना, बिकॉज मुझे दुख होता है क्योंकि इमोशनल सॉन्ग देखते हैं ना अपन जब भी, तो फिर अपने एनिमल्स के लिए भी चिंता होने लग जाती है, अपने पास जो पेट होते हैं उनके लिए, है ना, तो थोड़ा डर लगता है इस चीज से मेरे को। शुरू करते हैं हम हैनकॉक सॉन्ग रिएक्शन। नंबर 7 है ये हमारे भैया, और ये हमारे इनको, हमारा इनको सर तो कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हैनकॉक बाक। नो दैट इज बी सैड। दोस्तों मैं गप्पूड़ी हूँ ना, उस no, पर ध्यान नहीं दूंगा, गप्पूड़ी का लास्ट में रिव्यू ले लेंगे अपन, पूरा सॉन्ग कंसंट्रेट होकर देखना चाहता हूँ। ये सभी और ये हैनकॉक को ढूंढ रहा है, ढूंढ ही नहीं पा रहा बेचारा, चूतिया कुत्ता पाला रे मैंने, बैंग मर गया पोंगली। नो बैंग पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखने में सब एक जैसे होते हैं सारे डॉग्स। हैनकॉक गबुली बैठ जा, सॉन्ग चालू होने वाला है, ऐसे मत कर। ये वो था दौर जब जीने की छोड़ दी थी सारी होप्स, परेशान में रहने लगा था वजह थी सारी गुप, किसी से बात नहीं करता रहता था एकदम चुप, डैड भी डरने लगे देखकर मेरा ऐसा रूप, कोई तो अंधेरे में दिखाए मुझे उम्मीदों का टॉर्च, कोई तो समझे मुझे करे मुझे थोड़ा तो सपोर्ट, एंड में सुन ली उसने भेजा मुझे खुशियों का एक बॉक्स, फिर गिरते पड़ते सामने आया छोटा सा एक डॉग, उसकी मूंछ छोटी नोज और उसके रोज जैसे, ये सॉन्ग सुना मैंने यार ऊपर नीचे इंस्टाग्राम पर, छोटे छोटे आईब्रोज उड़ गए थे मेरे होशाले को लिया था जब गोद, लैब्राडोर के रूप में घर आया था एक सबसे स्पेशल दोस्त, मेरी शक्ल से लगता था जैसे आया हूँ जंग से, बात भी नहीं करता था मैं किसी से ढंग से, फिर तुझे जरिया बना कर वो आए वन डे, मैं ढूंढ रहा था कंधे और मिले तेरे पंजे, तुझे कैसे ये पता चला मैं अकेला हूँ, बता बहुत प्यारा सॉन्ग है। जाना तू मांगी थी बस रब से जीने की एक वजह, आपकी गप्पूड़ी को भी दिखाता हूँ, गप्पूड़ी मेरे साथ रिएक्शन दे रही, देख लो ये बेटी, ये भी देख रही है सॉन्ग को। बॉल चाहिए, बॉल लेकर आएगा, बॉल लेकर तो आ, लेकर आ बॉल, कर टिकड़ी है आते मेरे हीरो को 40 से ज्यादा ट्रिक्स, ट्रेनिंग में करना लगता है फॉर ट्रीट्स और बिस्किट्स, सब कुछ सुनना रहता है सर को बैठना है सबके बीच, डांटो तो भी सुनता कहाँ है मोटा साला डीट, भाग जाता है कभी वो छुड़ा के अपनी लीश, पूरी रियल वीडियो लग रही है, कर देगा सोफे और बेडशीट से रियल मारने में बिल्कुल एकदम घरेलू अपनी तरह, पटा लेता है उनको देकर गीले गीले किस, जब भी चलता है तो लगता है जैसे आया है कोई डूड, सारी फिल्में उस पे मरती है सबको लगता है क्यूट, सब उसको रे जाती है हिलाती है अपने पूछ, सबके घर में घूम रहे सर के छोटे से सब, मुझे परवाह नहीं कर गंदा हो या रूम से आए हो बास, किसी का चबा जाए वो बस या फिर खराब हो काली शर्ट, घर पे नहीं आना तू ओए, घर है प्रॉब्लम विद माय बॉय, तुम बात हो साले ये हैनकॉक का घर है फर्स्ट, कोई पावर है इस बात का मुझे मिला था सबूत, तभी तूफानों के बीच में आएगी सौंधी सी ये धूप, मुझे जरूरत है किसी की ये जानते थे वो खूब, एंड मैं सुन ली उसने मेरी एंड ही जस्ट गिव मी यू, तुझे कैसे ये पता चला बता कैसे ये जाना तू
सॉन्ग की लाइन कितनी मस्त है यार। सारे एक जैसे दिखते हैं तो यार। मैं मुंबई में था, डैड और मॉम गए थे बैंगलोर। अचानक से लेट नाइट में मुझे डैड का आया कॉल। अजीब सी बातें कर रहे थे घुमा के गोल गोल, फिर धीरे से रुक के बोले हैनकॉक इज नो मोर। मैंने जैसे सुना बॉडी मेरी हो गई सारी सुन, चक्कर से आने लगे और आंखों में आ गई धुन। रोना था पर आंसू का एक भी नहीं निकला बूंद। पूछना था माँ कैसी है पर समा हुआ जिस कुन। क्या किया बे तुमने मेरे अंगोली के साथ, छोटू बोला नहीं पता क्या हो गया उसको रातों रात। हॉस्पिटल भी ले गए थे, शुरू भी था इलाज पर भैया एकदम से हैनकी ने बंद कर दिया लेना सांस। शायद तुझे अकेला करके नहीं जाना था बेटा घर, तू तकलीफ में था और हमें शायद नहीं आया वो नजर। हमारे प्यार में शायद से कोई रह गई थी कसर, या हमें किसी की गंदी लग गई होगी नजर। आके ऐसे चला गया तू जैसे हो कोई ड्रीम, सोचा नहीं क्या होगा हमारा मतलब ही साले मीन। सारा सामान जगह पर और घर भी एकदम क्लीन, पर मन नहीं करता घर जाने का मोटे तेरे बिन। हर जगह पर निशाने अब तेरे सूखे लार के, कोई करने वाला नहीं है अब चित्रे अखबार के। गार्डन में सूखे सारे पौधे अब सूखे धार से, कभी जाएंगे नहीं ये दिल पे तेरे ऐसे मार्क है। तेरे वीडियोस देखते रहते हैं हम लगा के लूप में, कुछ कर नहीं पाए हम सारे रोते उसी दुख में। जानता हूँ शाने सुन रहा है तुझे जानता हूँ खूब, में वापिस आना हाँ किसी पपी के रूप में। ना हो के भी मौजूद तू, दिल में है तू इस तरह, अपनी लंबी ये जुबान से कम ये तो बता कि तुझे कैसे ये पता चला कैसे ये जाना तू। मांगी थी बस रब से जीने की एक वजह, सुन ली उसने मेरी ही गेमी। क्या हुआ बॉल नहीं मिली हैनकॉक? पहले की फोटो देख लो और उसकी अभी की मस्ती देख लो। तो ऐसा करना अच्छा लगता है क्या हैनकॉक? हैनकॉक तक ऐसा करना अच्छा लगता है क्या हैनकॉक? दिस इज डे वन, हैनकॉक स्लीपिंग quiet and cute. दिल भारी हो जाता था दोस्तों ऐसे सॉन्ग सुन के मेरा। तो दोस्तों ये सॉन्ग सुन के तो मेरे को भी बहुत दुख हो रहा है, अब मेरे को रोना आ रहा है। और ये चोरा तो रोने वाला था लेकिन वो तो मैं बेटी थी ना, इसलिए मैंने चमाल लिया। एक एक सॉन्ग मत भेजे बोलो, बहुत दुखी हो जाते हम। इसलिए दोस्तों मैं इमोशनल सॉन्ग अवॉइड करता हूँ। एक बात है लेकिन दोस्तों, ऐसे सॉन्ग सुनने के बाद अपने जो पास पेट होते हैं या फिर जीव होते हैं उनसे और ज्यादा लगाव हो जाता है। ये एनिमल्स का प्यार दोस्तों ऐसे होता है, देखो कैसे काट रहा है मेरे को ये। इनका डल से दोस्तों प्यार तो इतना हो जाता है ना जिसकी हद ही नहीं है। और आप देख भी सकते हो प्यार करने लायक भी है ना, इनमें कोई स्वार्थ है ना ये किसी से जलते हैं। चल ये भी तो बता हैनकॉक चोंग कैसा लगा? बिल्कुल हैनकॉक चोंग बहुत बढ़िया लगा, बट इसमें बहुत इमोशनल था। मुझे पप्पी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, भगवान ने उसे बहुत जल्दी बुला लिया। देख लो उमड़ी को। मम्मी मम्मी हैनकॉक सॉन्ग तो सुन लिया आप, छोजा मम्मी के पास प्यार से। सर्दियों हमारी गपूड़ी ऐसे सोती है जैसे भी आपको दिख रही है लाइव कवरेज, ये ऐसे सो जाता है आराम से। और जब इसको गर्मी लगती ना तो फिर मार्बल पे जाके सो जाता है नीचे, तो नीचे भी इसका मैंने प्रबंध कर रखा है। देखो आप ये चांद करके आई क्या हैनकॉक सॉन्ग की? देख 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 गुस्सा, देखो गुस्सा कितना गुस्सा था इसको देखना। मेरे को रात में डिस्टर्ब मत कर नहीं तो तेरी उंगलियां काट लूंगी। देख लो अमड़ी को। मम्मी ने मेरे को ना बहुत देर से पकड़ रखा था, वो हैनकॉक सॉन्ग सुनाया था इसने। चलो सॉन्ग तो बढ़िया था लेकिन इसने ना एक घंटे से मेरे को पकड़ रखा था। चल छोजा फिर अब मैं एडिटिंग कर लेता हूँ चोंग की। गुड नाइट गपुली। गुड नाइट, निकल ले यहाँ से।